हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पे आप कई सारे फ्री कोर्सेज कर पाएंगे और इन्हें कंप्लीट करके आपको मिलेगा इनका फ्री सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपको एचपी कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एचपी कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट जॉब मिलने पर मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अपने रिज्यूम पर मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपके जॉब मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वो भी तब जब आप इन कोर्सेज को अच्छे से करते हैं और इंटरव्यू में जब आपसे इस सर्टिफिकेशन के बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप सही सही आंसर दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इसका यह मतलब है आपको कोई भी क्विज अटेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ लेक्चर्स को देखना है और टास्क को कंप्लीट करने पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन टास्क को कंप्लीट करने में दिक्कत हो सकता है, तो आगे की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनरोल होना है, किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है और आपको कैसे सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल 32 कोर्सेज अवेलेबल है, यानी 32 कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं किसी एक कोर्स पे आपको यहाँ पे इनरोल होकर सारे टास्क को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेके दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस सर्टिफिकेट और कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को समझिएगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों की ये क्वेरी आते हैं कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो दोस्तों, आगे की वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सर्टिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, आप आ जाएंगे एचपी लाइफ की इस ऑफिशियल वेबसाइट में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको तुरंत नहीं मिलता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपके सामने उन सारे कोर्सेज का लिस्ट आ जाएगा जो आपको यहाँ पे फ्री देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम्युनिकेशन, स्टार्टअप, फाइनेंस, मार्केटिंग और ऑपरेशन पे यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी कोर्सेज को करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होता है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ये वेबसाइट ऑफिशियल है कि नहीं, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे आप एचपी लाइफ की ऑफिशियल फेसबुक पेज को देख सकते हैं, जिसमें क्लिक करके आप फेसबुक पेज में जाके ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये जेन्युइन है कि नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको उस कोर्स पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कोर्स करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, हम यहाँ पे जो कोर्स करने वाले हैं इसका नाम है इफेक्टिव बिजनेस वेबसाइट, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस कोर्स का डिटेल आपके सामने आने लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक इनरोल बटन दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखते हैं तो इस कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। बेसिकली इस कोर्स में ये बताया गया है कि किस तरीके से आप वेबसाइट बना के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनरोल का बटन देखने के लिए मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन गूगल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने गूगल अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके पास ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको अगेन इनरोल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनरोल बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में आपको कोर्स इन्फो, प्रोग्रेस, सर्टिफिकेट के टैब देखने के लिए मिल जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टोरी, बिजनेस कंसेप्ट, टेक्नोलॉजी स्किल, कोर्स फीडबैक के लिंक देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्लाइड आना स्टार्ट हो जाता है। आप इस स्लाइड को पूरी तरीके से पहले देख लीजिए, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। मैं अभी हाल के लिए यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपके पास ये वेब पेज आएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी का सारा टास्क बताया गया है कि आप आगे क्या करने वाले हैं। आप इसे अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वेब पेज आना स्टार्ट हो जाएगा। इस वेब पेज में ये बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने वेब पेज को बना के कस्टमर को इंगेज रख सकते हैं अपने वेबसाइट में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पहला टास्क आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा।
स्टार्स में आपको इस वेबसाइट को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए बोला गया है। इसके लिए आपको इसका बैनर, मेन्यू और बॉडी को चेंज करना है। आपको इसका इन्फॉर्मेशन ऊपर मिल जाएगा, आप इसे पहले पढ़ लीजिए। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे येलो कलर का ये बैनर दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है जिसमें आपको अभी सिर्फ दो ही लिंक दिख रहे हैं, होम और आवर फूड का, और यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट दिख रहा है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट बैनर, एडिट मेन्यू और एडिट बॉडी का तीन बटन देखने के लिए मिल जा रहा है। आपको एडिट करने के लिए एडिट बैनर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीन अलग अलग तरीके के बैनर देखने के लिए मिल जा रहे हैं। आपको जो ज़्यादा अच्छा बैनर लग रहा है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन 3 वाले बैनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके बाद मुझे डन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करता हूँ ये बैनर यहाँ पे दिखना आपको स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही अगर आप मेन्यू पे चेंज करना चाहते हैं तो एडिट मेन्यू पे क्लिक करिए। एडिट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे भी आपको तीन तरीके के मेन्यू दिख रहे हैं। मैं ऑप्शन 2 वाले मेन्यू को यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं। जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइंडर्स का एक नया मेन्यू आने लग गया और मैं डन पे क्लिक कर लेता हूँ। और बॉडी पे चेंज करने के लिए मैं एडिट बॉडी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी आपको इसके तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, ओरिजिनल, ऑप्शन 2। मैं ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। वैसे ही अब मैं लिंक 2 पे क्लिक करता हूँ, आवर फूड पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद फाइंडर्स पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो हर लिंक के इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करके एडिट बैनर पे जाना है और उसके बाद बैनर चेंज कर लेना है। अगर आप बॉडी चेंज करना चाहते हैं तो एडिट बॉडी पे जाना है और वहां से उसे चेंज कर लेना है। जैसे मैं यहां पे फाइंडर्स की बॉडी को चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार चेंज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक पब्लिश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आता है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपने जो वेब पेज बनाया है वो सही है कि नहीं। अगर आप चाहें तो ट्राई अगेन पे क्लिक करके इसे फिर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी हाल के लिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पे एक सबमिट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी में। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके पास ये वेब पेज आता है। यहाँ पे आपको सारे टास्क को डिस्क्राइब किया गया है, आप इस टास्क को पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन मिल रहा है, आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट टास्क आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टास्क में आपको एक नया पेज ऐड करने के लिए बोला गया है और साथ ही उस पेज में आपको एक पिक्चर भी ऐड करना है और उस पिक्चर को टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अरेंज करना है। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप सिंपल इस मेन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन दिखेगा। आप न्यू पे क्लिक करिए और पेज ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका टाइटल और मैटर सारा चीज़ अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक पब्लिश का बटन देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पब्लिश बटन पे क्लिक कर लेते हैं ये वेब पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटरिंग का एक अलग सा मेन्यू आने लग जाता है। अब आपको इसमें इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के लिए आप डैशबोर्ड में चले जाइए। डैशबोर्ड में आप जब आएंगे यहाँ पे आपको पेजेस का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप इसमें क्लिक करिए और कैटरिंग पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मीडिया का एक लिंक देखने के लिए मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इमेज मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट इनटू पेज के बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इसे अलाइन करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको ये लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करिए। अगर आप चाहें लेफ्ट या राइट साइड में इसे अरेंज कर सकते हैं, मैं राइट साइड में अरेंज कर देता हूँ। अरेंज करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप कैटरी में आके इसे देख सकते हैं। इसके बाद आप डन पे क्लिक करिए। आपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब आप यहाँ पे डन पे क्लिक करिए। इसके बाद आपके पास ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आने लग जाता है कि किस तरीके से आप इस वेब पेज को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए और इस टास्क को आपको सबमिट करना है। सबमिट कर लेने के बाद आपके पास ये वेब पेज आता है जिसमें आप रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डाउनलोड करके ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से वेबसाइट को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद आपको यहां पे साइड में कोर्स फीडबैक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक सर्वे का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे इस कोर्स से रिलेटेड इस सर्वे को फिल करना है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग
कोई भी आंसर दे सकते हैं। आप पहले इन सारे आंसर्स को दे दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है। डन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेब पेज आएगा। यहाँ जब आप नीचे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको चेक बटन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, अब आपके पास एक मैसेज आने लग जा रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपने कोर्स को 100% कंप्लीट कर लिया होगा तो ईमेल में 2 घंटे के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप इस देखना चाहते हैं आपने कोर्स सक्सेसफुल कंप्लीट किया है कि नहीं, तो इसके लिए आप ऊपर प्रोग्रेस बार पे आइए। जैसे आप प्रोग्रेस बार पे आएंगे यहाँ पे टोटल के ऊपर देखिए 100% लिखा हुआ आ रहा है और नीचे जब आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको हर मॉड्यूल का डिटेल मिलेगा। यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, स्टोरी का प्रैक्टिस 0 out of 0 है जिसका कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे मॉड्यूल, एक्टिविटी, सर्वे का कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपका ये सारा स्टेप कंप्लीट हो गया है तो अब आप यहाँ पे सर्टिफिकेट में जब आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बताया गया है कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने के लिए अपने मेल पे मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप इसे डैशबोर्ड में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी अर्न सर्टिफिकेट आपको देयर इज़ नो सर्टिफिकेट दिखा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे का वेट करना है। दोस्तों कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद लगभग 8 घंटे के बाद मेरा सर्टिफिकेट आ चुका है। इसके लिए मैं वापस लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन करने के बाद जब मैं सर्टिफिकेट पे जाता हूं तो देखिए यहां पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही यहां पे देख सकते हैं आप, मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। इसके लिए कोर्स का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और उसे करके आप फ्री सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।